घर बैठे संगीत सीखने के लिए आज रियाज ऐप डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। बेसिक स्वर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सी आल पे क्लिक कीजिए। इसमें 20 लेसन है जो कि क्रम बाय क्रम आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो आज रियाज ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। और यदि कोर्स पर क्लिक करोगे तो देखिए इसमें ठाट, अलंकार, राग, बहुत अच्छे अच्छे राग है इसमें, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड सॉन्ग्स आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं। तो आज रियाज ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इसको कैसे यूज़ करना उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में माँ तुझे सलाम मूवी का एक सॉन्ग कल मैंने अपलोड किया था, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। तो बहुत सारे की कमेंट आई थी कि इस वाले सॉन्ग का ट्यूटोरियल बनाइए। आज छोड़ के ना जाओ पिया, उसका बेंजो ट्यूटोरियल है। तो ये पूरा म्यूज़िक सहित पूरा सॉन्ग है, तो आज इसी को बेंजो पर बजाना सीखेंगे। तो देखिए ये सॉन्ग राग शिवरंजनी में, इसका आरो अवरो मैंने राग शिवरंजनी सिखाया है, उसका वीडियो में आई बटन ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और भी आपको नोटिसन बता दूंगा राग शिवरंजनी का भी। और इसमें राग शिवरंजनी के सुर के अलावा भी बाकी नोट हूँ यूज में हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यदि राग शिवरंजनी में है तो ओनली शिवरंजनी के ही नोट लगेंगे, इसमें अदर नोट भी लगते हैं। कोई सा भी सॉन्ग हो उसमें अदर नोट लगते हैं तभी सॉन्ग की क्वालिटी आती है, खूबसूरती आती है। तो आज इसी का अपना लेसन है, तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप बेंजो पर बजाना सीखते हैं अपन। अभी मेरा बेंजो ट्यून है बी फ्लैट पर, बेंजो का ओपन तार बी फ्लैट पर ट्यून है, क्योंकि मैंने सॉन्ग के हिसाब से बेंजो ट्यून किया है। तो सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले सॉन्ग सुनिए उसके बाद में इस पर आना वीडियो पर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉन्ग स्टार्ट होगा ना चूड़ी खनकेगी, तो ये देखिए पास से डायरेक्ट सा पर। ना चूड़ी खनकेगी, उसके बाद में ना पायल छनकेगी, ये तो पूरा सेम है, बाकी उसमें थोड़ा सा रेगा ऊपर लगा है, मतलब इतार सप्तक में थोड़ा सा। यदि दोनों सेम बजता तो क्वालिटी नहीं आती, इसलिए तो स्टार्टिंग में तो ना चूड़ी खनकेगी, उसके बाद में सेकंड वाली लाइन ना पायल छनकेगी में दो नोट ज्यादा लगे रेगा। फिर उसके बाद में ना गजरा महकेगा, फिर उसके बाद में ना कजरा बहकेगा, फिर उसका अलाप, सा से डायरेक्ट धा पर आना है। देखिए यहाँ पे एक बात समझना, ना जा ये कैसे बजेगा, सा धा पा फिर वापिस सा धा पा, फिर ऊपर वाला सा लगेगा तार सप्तक वाला। तो एक बार तो ये वाला सा और दूसरी बार ये वाला, बाकी धा और पा सेम ही रहेगा। जैसे कि अब वापिस सा लगेगा, बाकी ये वाला नहीं ये वाला। एक बार और समझिए, फिर यहां पे स्टॉप लेना, उसके बाद में म्यूजिक स्टार्ट होगा इसका।
इसको समझिए म्यूजिक को। एक बार ध लगेगा सा रे गा ध, और दूसरी बार में नी है ना, कोमल नहीं लगेगा उसके बाद में दूसरी स्टेप में। जैसे कि फर्स्ट है ना, और स्लो फिर ऐसे अलंकार की तरह जाना है। फिर इतना कंप्लीट होने के बाद में ऐसे अलंकार की तरह जाना है ऊपर की साइड। ये वाला म्यूजिक इसका, फिर सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए वो सीखते हैं अपन कैसे जाना है। आप शिवरंजनी के ही नोट लगे सारे गा पा दा सा, तो इनमें कैसे जाना है? फिर यहाँ पे आने के बाद में फिर उसके बाद धा से डायरेक्ट सा पर, पा मा पा दा पा, मा तीव्र लगा है। फिर यहां से सॉन्ग स्टार्ट होगा तुझको मैंने ये दिल दे दिया। तो देखिए इसको समझते वापिस, फिर तुझको मैंने ये दिल दे दिया। फिर उसके बाद में छोड़ के ना जाओ पिया, ये कैसे बजेगा? सा गा पा मा पा पिया, वापिस फिर तुझको मैंने ये दिल दे दिया। प्यार मैंने तुझसे है किया, सेम ही है। फिर उसके बाद में ओ पिया वो पिया, पा धा सा, यहाँ पे स्ट्रोकिंग करनी पिक को थोड़ी देर,
बार और इसको समझिए। फिर उसके बाद में इसका फर्स्ट वाला म्यूजिक आ जाएगा। तो फिर ये आगे वाले प्रोसेस है उसके भी, फिर आगे सॉन्ग वापस स्टार्ट हो जाएगा। पास डायरेक्ट साफ पर, एक बार तो ऐसे है, फिर म्यूजिक की सेकेंड स्टेप, ये वाली फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर उसके बाद में और स्लो, पास डायरेक्ट कोमल नी, एक बार और, फिर वापिस, ये बेंजो में बजाना बहुत डिफिकल्ट है, ये ऑर्गन में बहुत ही आसानी से बजाया जा सकता है, बाकी बेंजो में भी बजाएगा तो जगह खाली लगेगी। फिर इसका अंतरा स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, नींद भी तू मेरा ख्वाब भी तू है, तो ये पास है डायरेक्ट सापर, बिना तेरे कैसे रहूं, एक बार और इसको समझिए, फिर अंत की सेकंड लाइन, तो बादुहाई ये दर्द जुदाई, भला ऐसे कैसे सहूं, ये दोनों लाइन सेम ही है, देखिए नींद भी तू और तोबा यह दुहाई, ये दोनों लाइन एक जैसी है, बस अंतर कुछ भी नहीं है, सेम ही है, बाकी शब्द का अंतर है इनमें। एक बार और समझिए इनको, बस यहां पे अंतर आएगा, फिर इतना कंप्लीट होने के बाद में, मौसम है यादों का, कसमों का, वादों का, मौसम है यादों का, फिर कसमों का,
एक बार और स्लो। फिर उसके बाद में आ गरीब आ साथिया, फिर इसके बाद में फिर वापिस स्थाई आ जाएगी उसकी। तो ये पहला अंतरा और पहला म्यूजिक दोनों कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अब सेकंड वाला म्यूजिक, इसका म्यूजिक से स्टार्ट होगा सेकंड वाला म्यूजिक। इतना म्यूजिक कंप्लीट होने के बाद में म्यूजिक की आगे वाली लाइन, तो देखिए ये भी क्लियर बैंजो में नहीं बजेगा क्योंकि ये ऑर्गन का पीस है। बैंजो में भले कितनी कोशिश कर लो जगह खाली रहेगी। तो ये वाला तो सेम बज जाएगा जैसे कि, फिर उसके बाद में सेकंड वाला पास है डायरेक्ट गा पर, सेकेंड वाली लाइन है ये बहुत थोड़ी डिफिकल्ट है। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट तो ये, फिर सेकेंड वाला पास से डायरेक्ट गा पर, ऐसे वो स्लो में बताता हूं थोड़ा। फिर उधर से रिटर्न, फिर उधर से रिटर्न, सेकंड वाला अंतरा भी सेम ही है इसी के जैसा जो फर्स्ट वाला अंतरा है। और यदि ये वाला अंतरा भी मैं बजाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सेम ही अंतरा है, म्यूजिक दोनों बता दिया है। तो आप इसी को तैयार कीजिए। बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि छोड़ के ना जाओ पिया सॉन्ग का ट्यूटोरियल बनाइए, सो आज इसका ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाया। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे बैंजो से रिलेटेड वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इसी का रियाज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।